अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद महक। आज मैं अपने बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ इजी वनीला कस्टर्ड की रेसिपी। तो स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आपके लिए तैयार है बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी, बहुत ही लिमिटेड और शॉर्ट क्वांटिटी और शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने जो है यहाँ पे 1 लीटर मिल्क ले लेना है और उसके बाद आपने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर ऐड करनी है। मैंने 1 लीटर में 6 to 7 जो है टेबल स्पून्स हमारे खाने के चम्मच शुगर ऐड की थी और उसको बॉईल कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कस्टर्ड रेडी कर लिया है और बस बॉइलिंग मिल्क में हमें स्लोली स्लोली इसको ऐड करते जाना है और स्टेयर करते चले जाना है। साथ साथ स्टेयर करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। फ्लेम को आपने लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत पकाइएगा। लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। जितना ज़्यादा आपने थिक करना है उतनी ज़्यादा कस्टर्ड की क्वांटिटी होगी। मैंने सेमी इसे रखा था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, नॉर्मल से बनाना है हमें और वही बहुत मज़े का लगता है। अदरवाइज़ आप उसको ज़्यादा कस्टर्ड ऐड करके थोड़ा थिक और सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे चलते हैं जेली प्रिपेयर करते हैं। जेली जो है आप डेली पैकेट की ले सकते हैं और बस हमेशा याद रखिएगा कि वाटर की क्वांटिटी जितनी पैकेट पे लिखी हो उसका हमेशा हाफ यूज़ कीजिएगा, वरना जेली जो है वो अच्छी नहीं जमती। तो अगर आपने अच्छे से क्यूब्स चाहिए तो आपने वाटर की क्वांटिटी कम रखनी होगी। स्लोली स्लोली ऐड करते जाइएगा, स्टेयर करते जाइएगा और बस थोड़ी सी देर पकानी है आपने, 1-2 मिनट, और उसके बाद आपकी जेली रेडी हो जाएगी। किसी भी कंटेनर में निकाल कर आप उसको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करेंगे और उसके बाद आप फ्रीज़र कर देंगे। रेफ्रिजरेटर में रखिएगा, फ्रिज पर रखिएगा और थोड़ी देर में आपकी जेली जो है वो थिक हो जाएगी। चलें अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। आप प्लेन केक्स या बिस्किट्स कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है मैरी बिस्किट का यूज़ किया था, मुझे बहुत पसंद है और उससे बेस बहुत अच्छा बनता है। बाकी आप प्लेन केक्स वगैरह फ्रूट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपनी असेंबलिंग जो है अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही फ्लेवर की जेली यूज़ की थी, आप चाहें तो डिफरेंट फ्लेवर की जेली भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आती होंगी। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और ये मेरी बिगनर्स फ्रेंडली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। कोई भी रेसिपी या कोई भी आपकी फरमाइश है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसे आपकी साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँ। चलें फिर इन्जॉय करते हैं, इसे ठंडा करें और उसके बाद इन्जॉय करें। Thank you so much for watching.